Hello guys, my name is Raj and today in this video we'll be talking about best gaming mousepad for budget gamers. So the first one is Red Gear Speed Type, the second one is Red Gear MP80 Control Type, and third one is Amazon Extended Gaming Mousepad. So the reason why I've chosen these three mousepads is because I prefer MP80 over MP35. So what does MP80 and MP35 means? MP80 means the mousepad which is having the size of 800x300mm, and the MP35 is the one which is having the size of 300x250mm. So basically, in short, MP80 is the one that comes in the rectangular shape and on which you can put, you can keep both your mouse as well as your keyboard. And as you can see, even I am using MP80 mousepad. It basically gives me a proper surface for my keyboard as well as for mouse. But the question arises is, which one is perfect for you? So basically, I'll tell you the difference between the speed type and the control type. So speed type is for those who play on lower sensitivity. अगर लोअर सेंसिटिविटी पे खेलते हो तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कंट्रोल अच्छा है अपने माउस पे। जितना लोअर सेंसिटिविटी पे खेलते हो उतना कंट्रोल अच्छा मिलता है। तो तुम्हें जरूरत किस चीज़ की होती है, स्पीड की जरूरत होती है। सो फॉर यू, फॉर सच काइंड ऑफ पीपल, स्पीड टाइप माउस पैड इज बेस्ट फॉर यू। सो फॉर दोज, फॉर पीपल लाइक मी, सो मैं क्या करता हूँ, मेरा सेंसिटिविटी, इन गेम सेंसिटिविटी वो बहुत हाई है, तो उसकी वजह से मुझे किस चीज़ की जरूरत होती है, कंट्रोल की। या भले क्योंकि लाइक स्पीड तो मेरे पास है, हाई सेंसिटिविटी पे खेल रहा हो तो स्पीड मेरे पास है, लेकिन चीज़ की जरूरत है वो है कंट्रोल। ठीक है, सो लाइक पीपल लाइक मी, हमारे लिए कंट्रोल टाइप इज द बेस्ट वन, एंड फॉर पीपल हु प्ले ऑन लोअर सेंसिटिविटी, स्पीड टाइप इज द वन फॉर यू। सो यार, ये जो मेरा वाला जो माउस पैड है, ये है MP80 स्पीड टाइप। ओके, सो लाइक जब मैंने ये माउस पैड लिया था, मुझे किसी ने बताया नहीं था डिफरेंस बिटवीन स्पीड टाइप एंड कंट्रोल टाइप। और ऑफ कोर्स मैं हायर सेंसिटिविटी पे खेलता हूँ तो मुझे जरूरत है कंट्रोल टाइप माउस पैड की। सो एट दैट टाइम स्पीड टाइप और कंट्रोल टाइप का जो माउस पैड था रेड गियर का, उन दोनों में प्राइस डिफरेंस था। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी दोनों इक्वल प्राइस में आते, सेम प्राइस में आते हैं, सो यू कैन गो फॉर विच एवर यू वॉन्ट। सो मैंने इतना कुछ खास डिफरेंस नोटिस नहीं किया स्पीड टाइप और कंट्रोल टाइप में। ऑफकोर्स मैंने कंट्रोल सो जब मेरे पास जब ये स्पीड टाइप का माउस पैड आया, सो लाइक आई एम यूजिंग इट फॉर अ ईयर नाउ, एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस माउस पैड इज परफॉर्मिंग अमेजिंगली, एंड टिल नाउ आई हैव नो इश्यूज विद इट। बट मुझे पता नहीं था कि यार कंट्रोल टाइप मेरे लिए है, क्योंकि मैं हाई सेंसिटिविटी पे खेलता हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, जब मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त के पास कंट्रोल टाइप है, सो आई वेंट टू हिम एंड आई ट्राइड ऑन हिज माउस पैड। और उसके माउस पैड पे जब मैंने ट्राई किया, सो लाइक आई नोटिस्ड लाइक मेरा एम परफॉर्मेंस, मेरा जो पूरा गेम का परफॉर्मेंस है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा था। सो आई वॉज एबल टू प्ले मोर बेटर। सो दैट्स वॉट आई हैव एक्सपीरियंस प्लेइंग ऑन कंट्रोल टाइप ऑफ माउस पैड। सो दैट्स द रीजन आई एम सजेस्टिंग यू, इफ यू आर हैविंग अ हाई सेंसिटिविटी, देन गो फॉर कंट्रोल टाइप माउस पैड, एंड इफ यू आर हैविंग लोअर सेंसिटिविटी देन गो फॉर स्पीड टाइप माउस पैड। टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, दैट इज अमेजोन गेमिंग माउस पैड। सो अमेजोन गेमिंग माउस पैड जो है वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन इस बजट के अंदर as you know that कि मैं जो है MP80 प्रेफर कर रहा हूँ ओवर MP35, सो आई वॉन्टेड टू ट्राई दैट माउस पैड। सो मुझे देखना था कि यार जो रेड गियर का जो MP80 वाले जो दो माउस पैड्स है, और जो थर्ड वाला जो अमेजोन ने भी लाया है 600 rupees में, विच इज़ फॉर बजट गेमर्स, सो क्या ये माउस पैड इज गुड इनाफ, सो दैट सपोज इफ यू आर रेड गियर हेटर, और इफ़ यू डोंट वन बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रेड गियर, देन यू कैन गो फॉर अमेजोन एक्सटेंडेड गेमिंग माउस। सो बेसिकली गाइज, मेरे पास अभी जो है ये है अमेजोन गेमिंग का माउस पैड। सो मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, मैंने इसको अनबॉक्स भी नहीं किया है। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने के लिए मैंने जो है ये माउस पैड जो है ये ऑर्डर किया है, और इस माउस पैड को अनबॉक्स करते हैं, इस माउस पैड को यूज़ करके देखते हैं। सो जाहिर सी बात है, किसी माउस पैड को बिना यूज़ किया आप उसको रिव्यू नहीं दे सकते। सो बिना टाइम वेस्ट किए इसको खोल के देखते हैं। सो एज यू कैन सी, ये हमको मिला है 599 rupees में। इसको ओपन करके देखते हैं। सो ये है हमारा माउस। इसका फील काफी अच्छा है,
फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है वो स्पीड टाइप है एंड दिस वन इज द कंट्रोल टाइप. ओके सो मेरे पास रेड गियर का एम पी ए टी कंट्रोल टाइप का माउस पैड नहीं है फिलहाल टेस्ट करने के लिए, लेकिन हमारे पास ये वाला माउस पैड है. सो गाइज मेरे हिसाब से ये माउस पैड जो है ये देख आप इसे साइज देख सकते हैं 800x300, ये काफ़ी बड़ा है. इसमें आपका कीबोर्ड माउस दोनों आ जाएंगे. ये है हमारा एम पी ए टी स्पीड टाइप माउस पैड. सो लेकिन गाइज अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये देखिए ये है हमारा स्पीड टाइप माउस पैड और इसकी साइज़ देखिए, ये है इसकी साइज़. और बात करें इस माउस पैड की, सो ये माउस पैड काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ये माउस पैड काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. सो गाइज मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये माउस पैड इतना बड़ा होगा. ये देखिए दोनों के बीच के साइज डिफरेंस देखिए, देख सकते हैं ये देखो कितना बड़ा माउस पैड है ये देखो लेकिन 800x300 से भी ज़्यादा बड़ा है ये. तो गाइज ऑफकोर्स अगर आपका सरफेस एरिया ज़्यादा है, अगर आपके पास रखने के लिए सरफेस एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो गाइज ये माउस पैड आपके लिए परफेक्ट होगा मेरे हिसाब से. लेकिन इसका परफॉर्मेंस अब तक हमने टेस्ट नहीं किया है. सो परफॉर्मेंस टेस्ट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि यार ये माउस पैड सच्ची में लेने के लिए बेटर होगा या नहीं. सो दिस थिंग हैज़ इम्प्रेस्ड मी अ लॉट एंड इसका जो ग्रिप है, जो सर्फेस पे जो ग्रिप पकड़ रहा है ये माउस पैड, दिस इज फार बेटर देन आर एम पी ए टी स्पीड टाइप. और आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी काफ़ी जगह है, जबकि अगर हम ये वाला माउस पैड जब रख देते हैं तो ये आता है यहाँ तक. सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स ट्राई दिस माउस पैड. मैं सी एस गो खेल के देखता हूँ, सी एस गो का डेथ मैच खेल के देखता हूँ एंड लेट्स सी इफ दिस माउस पैड डज जस्टिस और नॉट. Awesome. Like for 600 rupees you're getting at best deal. And like I'm not telling you please don't go for this. Okay, so I have played on this. Okay, so this is a MP80 speed type and I have used it, and like even this mouse pad have not disappointed me for a year now. But this one is pretty awesome. तो इसमें अगर आप देख सकते हो इसके जो edges जो है इसको इन्होंने stitch किया है ताकि ये corner से जो है फटे नहीं future में और इसके साथ कुछ इशू ना आए. क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि मैंने ड्रैगन वॉर और स्टील सीरीज के माउस पैड यूज़ किया है, तो उसमें क्या होता है कि जो कॉर्नर साइड होता है कॉर्नर से वो सो अगर आप इस माउस पैड पे देखें यहाँ पे कॉर्नर में कोई ऐसा स्टिचेस नहीं किया है जिसकी वजह से ये जो है फटे नहीं कॉर्नर से. तो मुझे ऐसे लगता है पता नहीं क्यों कि कॉर्नर से जो है ये फटना चालू होगा कुछ टाइम के बाद. और इसमें एक बेनिफिट जो आपको दे रहा है वो है नीचे जो ग्रिप है, ये ग्रिप काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपको, एक काफ़ी सॉलिड ग्रिप मिल रहा है आपको सरफेस पे. और इसकी बात करें रेड गियर की बात करें तो ये आपको इतना अच्छा ग्रिप नहीं देता. सो एनीवेज लेकिन भले ग्रिप इतना सॉलिड नहीं देता लेकिन मुझे कभी इशू नहीं आया, मतलब कभी मेरा माउस पैड फिसला नहीं, गेम खेलते वगैरह. लेकिन इसका जो ग्रिप है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो देखते कि मेरा इस माउस पैड के साथ परफॉर्मेंस कैसा रहता है. अगर आपको डिटेल में इस माउस पैड के बारे में जानना होगा तो कॉन्टैक्ट मी ऑन फेसबुक, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक और यू कैन ऐड मी एज अ फ्रेंड ऑन फेसबुक एंड यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन फेसबुक एंड आई रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज ओवर द. वीडियो के लिए बस इतना ही. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन, कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि क्या इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की. एंड इफ़ यू आर बाइंग एनी ऑफ दिस माउस पैड after watching this video, please let me know in the comment section box below. And till then guys, stay updated and stay subscribed to our YouTube channel, that is Jobless Peace.